हैरी टिकटों के नाम पर केदारनाथ जाने वाले यात्रियों से लाखों की ऑनलाइन ठगी। प्रशासन की ओर से सख्ती के तमाम वादों के बावजूद केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्री हैरी टिकटों के नाम पर ऑनलाइन ठगी का लगातार शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों का 70 सदस्यीय दल फिर ऑनलाइन ठगी की चपेट में आ गया। मजबूरन सभी तीर्थयात्रियों को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। दल के लीडर देवीदास वाकचोरे ने बताया कि उन्होंने 5.89 लाख की धनराशि जमा कर 70 तीर्थयात्रियों के टिकट ऑनलाइन बुक कराए थे, लेकिन शुक्रवार को हैली कंपनी पवन हंस के दफ्तर में पहुंचने पर पता चला कि सारे टिकट फर्जी हैं, जिसके बाद दल के लीडर देवीदास वाकचोरे ने साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम 70 लोगों के साथ आए थे सर, और केदारनाथ से हमने ऑनलाइन टिकट किया था, मतलब एप्लीकेशन किया था, तो 70 लोगों का टिकट देने के लिए हमें राहुल राणा करनी हुई है। उन्होंने कॉल किया कि आपको टिकट चाहिए तो हम ऑनलाइन बुकिंग करा देते हैं, तो हमने 70 लोगों का बुकिंग किया। उन्होंने 7,750 रुपये से ऐसा टिकट से 5,89,000 रुपये हमसे लिए, हमने अकाउंट पे उनसे उन पर डाले, फिर वो टिकट भी उन्होंने ऑनलाइन भेजे हमें, लेकिन वो टिकट जितने हम पवन हाउस चले आए तो पवन हाउस वाले बोले फ्रॉड है, आप उधर काउंटर पे जाइए, तो हम फाटक काउंटर पे आए तो कि ये फेक टिकट है, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करिए। अभी पुलिस थाना में गए थे हम निजीडरी फाटा पे, तो उन्होंने हमें क्राइम ब्रांच का नंबर दिया है, तो अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा हमारे साथ फ्रॉड किया है। 70 लोगों का अभी दर्शन नहीं हो पा रहा है। हम केदारनाथ अभी आखिरी दिन था हमारा, अभी लौटने का समय हो गया है। वहीं पूरे मामले पर SP रुद्रप्रयाग आयुष अग्रवाल का कहना है कि हैली टिकट के नाम पर ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं, इनमें से कई ठगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है। देखिए, कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी वहां उन्हें गलत साइट पर जाकर बुकिंग करा दी, या किसी फ्रॉडस्टर ने उनको चीट करके फर्जी टिकट उनको पकड़ा दी थी। तो ऐसी सभी शिकायतों पर पुलिस के द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लगभग 7 केसेस में पुलिस ने इनमें मुकदमा दर्ज किया है और 4 केसेस में से वर्कआउट भी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें जो पीड़ित हैं उनको उनकी जो पैसे थे वो वापस दिलवाए गए हैं। तीर्थयात्रियों को ठगे जाने की इस घटना से केदार घाटी के व्यवसायियों में भी शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है, इतना समय बीत जाने के बाद भी हैरी टिकटों की ऑनलाइन ठगी पर लगाम नहीं लग पा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।